नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बना हुआ एप्पल जैम। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हम एप्पल जैम अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। वैसे तो एप्पल जैम सभी के घरों में आता है, लेकिन वो मार्केट में कितनी मिलावट आ रही है वो सभी को पता है। तो एप्पल जैम बनाने के लिए ये देखिए, हमने लिया है 1 किलो एप्पल। एप्पल फ्रेश होने चाहिए, दागी एप्पल नहीं होने चाहिए। और इनका हम अच्छी तरह से छिलका निकाल लेते हैं, कुछ इस तरह से छिलका निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इन्हें कद्दूकस कर सकते हैं, और यदि आप पीस में काट कर बनाना चाहते हैं तो पीस काट कर और ग्राइंड करें। मैं आज कद्दूकस करके ही बनाऊंगी इन्हें। तो कुछ इस तरह से हम सबसे पहले एप्पल को अच्छी तरह से छील लेना है। छीलने के बाद इसे हमें पानी के अंदर ही रखना है। एप्पल छीलने के बाद आप बाहर न रखें, नहीं तो एप्पल काला पड़ जाता है। तो छीलने के बाद पानी में रख लिया है, और अब मैं इसके लच्छे निकालूंगी। ये देखिए, कुछ इस तरह से पानी के अंदर ही हमें इसके लच्छे भी निकालने हैं। जो बीज का पार्ट है, जिसमें बीज होते हैं, बीज के साइड में, वो हमें छोड़ देना है। बाकी का हम सारा कद्दूकस की सहायता से इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। और इस तरह से सारे ही एप्पल को हम अच्छी तरह से ग्रेट करने के बाद में जो बीज का पार्ट बचता है वो हम निकाल देंगे। ये देखिए, हमारे इस तरह के लच्छे तैयार हो जाते हैं। सारे सेब को हम इसी तरह से लच्छे तैयार कर लेंगे, और बस इसका पानी अलग कर लेंगे। छन्नी से हम इसका सारा पानी निकाल देंगे। ये देखिए, कढ़ाई में हमने 1 चम्मच घी डाला है। घी को मेल्ट होने देंगे, उसके बाद में ये जो हमने लच्छे निकाल कर रखे हैं वो सारे इसमें डाल देंगे, कुछ इस तरह से। ये देखिए, इसमें जब हम घी में इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो जब भी आप एप्पल जैम बनाएं तो 1 चम्मच घी डालकर उसमें थोड़ी अच्छी तरह से इसे भूने चलाते हुए, भूनने के बाद में इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। ये देखिए, हम इसे 3 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से इसका पानी भी बिल्कुल सूख चुका है और एप्पल हमारा बिल्कुल पक गया है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। 1 किलो हमारा एप्पल है, इसमें मैं 450 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप थोड़ी सी ज़्यादा या कम कर सकते हैं, जैसा आप मीठा पसंद करें। बाकी 450 ग्राम चीनी इसमें बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि सेब जो हमारे हैं वो मीठे वाले हैं। और इसमें हमने डाला है 450 ग्राम चीनी। चीनी डालने के बाद में इसमें 1/2 चम्मच हमने सौंठ और जायफल का पाउडर डाला है। आपके पास में सौंठ और जायफल का पाउडर है तो वो डालिए, अन्यथा आप इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। ये देखिए, बाकी सौंठ और जायफल का जो हमने पाउडर डाला है उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है एप्पल जैम में। और बस इस तरह से चलाते हुए चीनी को हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही हमारी चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाती है, इसमें हम डालेंगे 2 नींबू, बड़े साइज के नींबू हैं। नींबू का रस इसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर देता है। ये खट्टा मीठा जैम बहुत ही अच्छा लगता है, और इसमें हमने नींबू डाला है तो इसकी चीनी के क्रिस्टल भी नहीं बनते हैं। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, अच्छी तरह से इसे हम चलाते हुए बिल्कुल ये मैश हो चुका है। अब इसमें हम डाल रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा फूड कलर। आप चाहें तो डालें, अन्यथा स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जैम में पड़ता है, कर देखने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ। और ये देखिए, इस तरह से इसे चलाते हुए इसका सारा पानी सूख जाना चाहिए। ये देखिए, 3 से 4 मिनट इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रह जाना चाहिए, और बहुत ही अच्छे से इस चाशनी का पानी ख़त्म हो चुका है। और ये देखिए, जैम हमारा रेडी भी हो चुका है। दोस्तों, इस तरह का बिल्कुल हाइजीनिक तरीके का जैम आप अपने घर में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आपके पास में यदि खट्टे सेब हैं तो थोड़ी सी चीनी बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए, कितना बढ़िया, देखने में भी और खाने में भी बहुत ही बढ़िया। इसका सारा पानी ख़त्म हो चुका है, इसलिए शाइनिंग आप देख सकते हो कि जैम की कितनी बढ़िया आ चुकी है। आप इसे ब्रेड या पराठे के साथ में बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। आप खुद भी खाना हो तो ये जैम बिल्कुल हाइजीनिक है,
इसे आप जरूर घर पर ट्राई करें। और यदि वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, रेसिपी को जरूर ट्राई करें, एक बार इस तरह का जैम जरूर बना कर देखें दोस्तों। और ये जैम यदि एक बार आपने बना लिया तो मार्केट से जैम को लाना भूल जाए। ये देख सकते हो कितनी बढ़िया हमारी ब्रेड जैम तैयार है। इस तरह से आप बनाकर बच्चों को दें, बड़ों को दें, जैसे भी आप मर्जी है आपकी, जैसे यूज करना चाहें कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।